क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान गायब हो जाए तो क्या होगा? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक वैज्ञानिक गायब हो जाता है। गायब होने के बाद उसकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। पूरी कहानी को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक चूहा जो एक लैब के अंदर आ जाता है और एक पिंजरे में बंद हो जाता है। तभी कोई अदृश्य चीज चूहे को उठाकर खा जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक वैज्ञानिक सेबेस्टियन को। सेबेस्टियन कंप्यूटर के जरिए अपने फॉर्मूले को चेक करता है और ये देखकर बहुत खुश हो जाता है कि उसका नया फॉर्मूला काम कर रहा है। सेबेस्टियन अपनी दोस्त लिंडा को बताता है कि उसका एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला कामयाब हो गया है। ये सुनकर लिंडा बहुत खुश हो जाती है और अपने दोस्त मैट को जल्दी से लैब में जाने को कहती है ताकि सेबेस्टियन के नए फॉर्मूले को टेस्ट किया जा सके। थोड़ी देर बाद सेबेस्टियन भी अपनी कार लेकर लैब में आ जाता है। सेबेस्टियन लैब के एक्सपेरिमेंट वाले कमरे तक पहुंचने के लिए लिफ्ट में जाता है और अपने अंगूठे को स्कैन करके एक पासवर्ड बोलता है। लैब के अंदर हम कुछ ऐसे अदृश्य जानवरों को देखते हैं जिन्हें सिर्फ थर्मल कैमरे से ही देखा जा सकता है। मैट पिंजरे में बंद एक अदृश्य गोरिल्ला के पास जाता है जिसका नाम इजाबेल है। मैट इजाबेल को देखने के लिए थर्मल चश्मे का इस्तेमाल करता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। जैसे ही मैट इजाबेल को इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, इजाबेल उसे हाथ पर काट लेती है और भाग जाती है। मैट और सेबेस्टियन इजाबेल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। मैट और सेबेस्टियन में ये शर्त लगती है कि कौन पहले इजाबेल को इंजेक्शन लगा पाएगा। सेबेस्टियन को इजाबेल मिल जाती है और वो अपनी गन से उस पर इंजेक्शन लगा देता है। बेहोश हुई अदृश्य गोरिल्ला इजाबेल को दोबारा विजिबल बनाने के लिए स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है। लिंडा दवाई को इंजेक्शन में भरकर मैट को देती है। सारा स्प्रे का इस्तेमाल करके अदृश्य गोरिल्ला की नस ढूंढती है। सेबेस्टियन मैट से गोरिल्ला को विजिबल बनाने वाला इंजेक्शन ले लेता है और उसे गोरिल्ला की नस में इंजेक्ट कर देता है। दवाई धीरे धीरे नसों से होती हुई गोरिल्ला के सारे शरीर में फैल जाती है। धीरे धीरे गोरिल्ला का शरीर वापस विजिबल होना शुरू हो जाता है। सभी अपने एक्सपेरिमेंट को सफल होते देखकर खुश हो जाते हैं। तभी गोरिल्ला के दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है और उसे दिल का दौरा पड़ता है। इजाबेल को मरने से बचाने के लिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। थोड़ी देर इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद इजाबेल के दिल की धड़कन धीरे धीरे फिर से नॉर्मल हो जाती है और इस तरह अदृश्य हुई इजाबेल फिर से सबको दिखाई देने लग जाती है। अपने एक्सपेरिमेंट को सफल होता देखकर सभी खुश हो जाते हैं। अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए सभी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। सेबेस्टियन लिंडा से कहता है कि वो हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन लिंडा सेबेस्टियन से शादी करने से मना कर देती है। सेबेस्टियन इजाबेल के हालचाल देखने के लिए वापस लैब में जाता है। लैब में एक अदृश्य कुत्ता भी होता है। सेबेस्टियन कुत्ते से पूछता है कि गायब होना उसे कैसा लगता है। लैब में वापस आने के बाद सेबेस्टियन कहता है कि वो इस गायब होने वाले एक्सपेरिमेंट को खुद पर टेस्ट करना चाहता है। मैट सेबेस्टियन को चेतावनी देता है कि ये एक्सपेरिमेंट खतरनाक हो सकता है, लेकिन सेबेस्टियन उसकी बात को टाल देता है। सेबेस्टियन एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार होकर बेड पर लेट जाता है। सेबेस्टियन कहता है कि वो बहुत टेंशन में है, इसीलिए उसके दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ी हुई है। सेबेस्टियन को अदृश्य करने के लिए मैट दवाई तैयार करता है, लेकिन सेबेस्टियन उससे ये कहते हुए इंजेक्शन ले लेता है कि वो अदृश्य होने के लिए खुद इंजेक्शन लगाएगा ताकि अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसका इल्जाम किसी दूसरे पर ना आए। ये कहते हुए सेबेस्टियन खुद को इंजेक्शन लगा लेता है। थोड़ी देर के बाद हर कोई टेंशन में आ जाता है क्योंकि इंजेक्शन लगाने के बाद सेबेस्टियन के शरीर पर कोई असर नहीं होता, लेकिन तभी अचानक सेबेस्टियन को कुछ महसूस होता है। सेबेस्टियन का शरीर गायब होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसे बहुत तेज दर्द होता है जिसकी वजह से वो चिल्लाना शुरू कर देता है। सेबेस्टियन कहता है कि उसे उम्मीद से कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। जैसे ही सेबेस्टियन अदृश्य होने लगता है, उसके दिल की धड़कन रुकना शुरू हो जाती है। मैट और लिंडा सेबेस्टियन को इलेक्ट्रिक शॉक देने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी सेबेस्टियन के दिल की धड़कन नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे सेबेस्टियन का पूरा शरीर अदृश्य हो जाता है और वो शांत हो जाता है। मैट कहता है कि दर्द की वजह से सेबेस्टियन बेहोश हो चुका है। 17 घंटे बाद जब सेबेस्टियन को होश आता है तो लैब की तेज लाइट को देखकर वो चिल्लाने लगता है और लिंडा से लाइट बंद करने के लिए कहता है। सेबेस्टियन लिंडा से कहता है कि वो अपनी आंखें बंद नहीं कर पा रहा है, तो लिंडा उसे समझाती है कि वो अपनी आंखें तो बंद कर सकता है, लेकिन उसकी आंखों के अदृश्य हो जाने की वजह से लाइट आर पार जा रही है। सेबेस्टियन ये देखकर हैरान हो जाता है कि अब वो शीशे में भी दिखाई नहीं देता। गायब होते ही सेबेस्टियन सबको परेशान करना शुरू कर देता है। सेबेस्टियन को ढूंढने के लिए फ्रैंक एक इंफ्रारेड चश्मा लगाता है और उसे ढूंढ लेता है। मैट और लिंडा सेबेस्टियन को वापस उसके कमरे में लेकर जाते हैं। सेबेस्टियन पर नजर रखने के लिए उसके कमरे में कैमरा लगाया जाता है। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और पूरी रात सेबेस्टियन पर नजर रखने के लिए सारा को लैब में ही छोड़ जाते हैं। सारा रात को लाइट बंद करके लैब के ऑब्जर्वेशन रूम में ही सो जाती है। सारा के सोते ही सेबेस्टियन अपने कमरे से निकलता है और लैब से होते हुए ऑब्जर्वेशन रूम में आ जाता है। ऑब्जर्वेशन रूम में आने के बाद सेबेस्टियन सारा को डराना शुरू कर देता है। सारा घबराकर उठ जाती है और चिल्लाकर पूछती है कि क्या सेबेस्टियन उसके कमरे में मौजूद है। सारा के चिल्लाते ही सेबेस्टियन अपने कमरे में वापस भाग जाता है। अगले दिन सारा लिंडा को रात की सारी घटना सुनाती है और कहती है कि सेबेस्टियन के गायब होने के बाद उसे लैब में अब डर लगता है। थोड़ी देर बाद मैट सेबेस्टियन का रूटीन चेकअप करते हुए उससे रात की घटना के बारे में पूछता है। सारा भी सेबेस्टियन से ये पूछती है कि क्या वो रात को लैब में घूमता है, तो सेबेस्टियन उसकी बात को टाल देता है। थोड़ी देर बाद जेनिस हाथ धोने के लिए बाथरूम में जाती है, लेकिन उसे शक होता है कि बाथरूम में और भी कोई मौजूद है। अपना शक दूर करने के लिए जेनिस इंफ्रारेड चश्मा लगाकर देखती है। जेनिस भी सारा की तरह ये किस्सा बाकी सबको सुनाती है। बाकी सभी लोगों को ये चिंता होने लगती है कि गायब होने के बाद अब सेबेस्टियन कुछ भी कर सकता है। जब सभी लोग ये बातें करके चले जाते हैं तो अचानक से एक खाली कुर्सी अपने आप घूमती है, जिससे ये पता चलता है कि सेबेस्टियन चुपचाप उन लोगों की सारी बातें सुन रहा था। उसी रात को जब लिंडा लैब में काम कर रही
रही थी तो सेबेस्टियन उसे भी परेशान करता है। अगले दिन सेबेस्टियन को फिर से विजिबल बनाने का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। लिंडा सेबेस्टियन के हाथ पर स्प्रे करती है ताकि सेबेस्टियन की नस ढूंढकर उसमें इंजेक्शन लगाया जा सके। सेबेस्टियन के हाथ में इंजेक्शन लगा दिया जाता है। दवाई धीरे धीरे सेबेस्टियन के सारे शरीर में फैलने लगती है। सेबेस्टियन धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो जाता है, लेकिन तभी सेबेस्टियन के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। सेबेस्टियन अपने हाथ पैरों से बंधी रस्सियों को तोड़ देता है। दम घुटने की वजह से सेबेस्टियन कार्डर को पूरी ताकत से दूर फेंक देता है और मैट को जोर से किक मारता है। सेबेस्टियन का शरीर धीरे धीरे फिर से गायब होना शुरू हो जाता है। सारा और लिंडा सेबेस्टियन के गले में पाइप डालकर उसे सांस देने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मैट सेबेस्टियन की छाती पर दबाव डालता है, सेबेस्टियन की धड़कन फिर से शुरू हो जाती है। सेबेस्टियन बच तो जाता है, लेकिन उसका पूरा शरीर फिर से गायब हो जाता है। बाद में जब सेबेस्टियन को होश आता है तो लिंडा उसे बताती है कि उसे वापस फिर से विजिबल बनाने का एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ और उसे कुछ दिन और ऐसे ही अदृश्य रहना होगा। लैब के दूसरे लोग सेबेस्टियन को देख सकें, इसलिए सेबेस्टियन के लिए एक मास्क तैयार किया जाता है। मास्क को कुछ इस तरह से काटा जाता है ताकि सेबेस्टियन को देखने, सुनने और खाने में कोई परेशानी ना हो। मैट सेबेस्टियन के लिए शीशा लाता है ताकि वो खुद को देख सके। घर पर मैट और लिंडा ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सेबेस्टियन को फिर से विजिबल बनाने का एक्सपेरिमेंट असफल क्यों हुआ, लेकिन वो इस समस्या का कोई हल नहीं ढूंढ पाते। इस तरह से 10 दिन निकल जाते हैं, लेकिन सेबेस्टियन को वापस विजिबल बनाने के सारे एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। सेबेस्टियन रात को परेशान होकर चिल्लाने लगता है, लेकिन लिंडा उसे दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा। सेबेस्टियन 10 दिन की कैद से परेशान हो जाता है और रात को लैब से बाहर जाने का फैसला करता है। कार्टर सेबेस्टियन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सेबेस्टियन कहता है कि वो अपने घर जा रहा है और कुछ घंटों में वापस आ जाएगा। कार्टर फोन पर लिंडा को बताता है कि सेबेस्टियन लैब से बाहर जा चुका है। सेबेस्टियन लैब से बाहर पुलिस को चकमा देकर अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। रोड पर सेबेस्टियन की कार रेड लाइट पर रुकती है, जहां पर वो अपना चेहरा दिखाकर कुछ बच्चों को डरा देता है। लिंडा और मैट सेबेस्टियन को ढूंढने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। सेबेस्टियन अपने घर पहुंचता है और लैब में वापस ले जाने के लिए कुछ सामान ले लेता है। तभी सेबेस्टियन अपनी खिड़की से पड़ोस की उसी लड़की को देखता है। थोड़ी देर बाद लड़की के घर की डोरबेल बजती है। जब वो की होल में से झांक कर देखती है तो हैरान हो जाती है कि वहां पर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर से बेल बजती है। लड़की दरवाजा खोलकर बाहर देखती है। तब तक सेबेस्टियन दरवाजे से अंदर आ जाता है। सेबेस्टियन लड़की के कमरे में जाता है और उसे डराने के लिए बार बार उसका शीशा हिलाता है। दूसरी तरफ लिंडा सेबेस्टियन के घर पहुंच जाती है। अंदर जाकर लिंडा को पता चलता है कि सेबेस्टियन अपना मास्क और कपड़े निकालकर बाहर जा चुका है। सेबेस्टियन पड़ोस के घर से देखता है कि लिंडा उसके घर पर पहुंच चुकी है। थोड़ी देर बाद सेबेस्टियन वापस लैब में पहुंचता है और सबको बताता है कि वो अपने घर कुछ जरूरी सामान लेने गया था। लिंडा सेबेस्टियन को चेतावनी देती है कि अगर वो फिर से लैब छोड़कर बाहर गया तो वो कमेटी को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ बता देगी। लेकिन सेबेस्टियन एक बार फिर से सबको धोखा देकर लैब से भाग जाने के बारे में सोचता है। सेबेस्टियन अपने ऊपर नजर रखने वाले इंफ्रारेड कैमरे को कुछ इस तरह से सेट कर देता है जिससे कैमरा सेबेस्टियन का पुराना वीडियो बार बार चलाता रहे और देखने वाले को ये लगे कि सेबेस्टियन अपने कमरे में ही है। कैमरे को सेट करने के बाद सेबेस्टियन लिंडा के घर जाता है और खिड़की से झांक कर अंदर देखता है। अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड लिंडा को मैट के साथ देखकर सेबेस्टियन गुस्से से भर जाता है और पत्थर मारकर खिड़की का कांच तोड़ देता है। मैट तुरंत बाहर जाकर ये देखता है कि ये हरकत किसने की, लेकिन मैट को बाहर कोई नजर नहीं आता। लिंडा को सेबेस्टियन पर शक होता है, इसीलिए वो लैब में फोन करके ये पूछती है कि क्या सेबेस्टियन वहां पर है। फ्रैंक को कैमरे की स्क्रीन पर सेबेस्टियन का पुराना वीडियो देखकर ये लगता है कि सेबेस्टियन अभी भी अपने कमरे में मौजूद है। लैब में वापस आने के बाद सेबेस्टियन लिंडा के बारे में ये सोचकर और ज्यादा परेशान हो जाता है। लैब के पिंजरे में बंद बार बार भौंकता हुआ कुत्ता सेबेस्टियन के गुस्से को और भड़का देता है और सेबेस्टियन गुस्से में उसे मार देता है। सारा को लैब में अगले दिन वो मरा हुआ कुत्ता मिलता है और उसका शक सीधा सेबेस्टियन पर जाता है, लेकिन सेबेस्टियन कहता है कि उसने कुत्ते को नहीं मारा। लैब के सारे लोग मिलकर सेबेस्टियन की रात की रिकॉर्डिंग देखते हैं, लेकिन कैमरे के वीडियो को देखकर उनको लगता है कि सेबेस्टियन सारी रात अपने कमरे में ही था। अगली रात जब लिंडा अपने कमरे में होती है तो उसे शक होता है कि सेबेस्टियन वहां पर मौजूद है। अपना शक मिटाने के लिए लिंडा अपनी कार लेकर वापस लैब में जाती है, लेकिन लैब का कैमरा दिखाता है कि सेबेस्टियन अभी भी वहीं पर है। जब लिंडा सेबेस्टियन के कमरे में जाती है तो उसे पता चलता है कि सेबेस्टियन वहां पर नहीं है और उसने कैमरे के साथ छेड़खानी की है। इस घटना के बाद लैब के सभी लोगों को पता चल जाता है कि सेबेस्टियन अपने अदृश्य होने का फायदा उठाकर हर रात लैब से बाहर जाता है। सेबेस्टियन को कंट्रोल से बाहर होता देखकर लिंडा कहती है कि वो कमेटी को इस गायब होने वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने जा रही है। सेबेस्टियन छुपकर उनकी सारी बातें सुन लेता है। बाद में लिंडा और मैट कमेटी के हेड डॉक्टर क्रेमर के घर पहुंचते हैं और इस गायब होने वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं। जैसे ही डॉक्टर क्रेमर सेबेस्टियन को पकड़ने के लिए पुलिस के पास फोन लगाते हैं, तभी सेबेस्टियन उनके फोन की तार काट देता है। डॉक्टर क्रेमर फोन की तार चेक करने बाहर जाते हैं, तभी सेबेस्टियन उनके सामने आ जाता है और उनको स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है। सेबेस्टियन डॉक्टर क्रेमर को पानी में डुबोकर मार देता है और वहां से भाग जाता है। अगले दिन जब लिंडा लैब में वापस आती है तो सेबेस्टियन उसे डरा देता है। मैट लिंडा को बताता है कि सेबेस्टियन रात को 3 बजे लैब में आया है और तब से इधर उधर घूम रहा है। तभी एक फोन आता है और लिंडा को पता चलता है कि डॉक्टर क्रेमर की पानी में डूबने से मौत हो चुकी है। लिंडा को सेबेस्टियन पर शक होता है और वो पुलिस के पास फोन करती है, लेकिन तभी फोन की लाइन कट जाती है। मैट और लिंडा लैब से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि किसी ने लिफ्ट का वेरिफिकेशन कोड बदल दिया है। कंप्यूटर सिस्टम को चेक करने पर सबको ये पता चलता है कि वो सेबेस्टियन ही था जिसने फोन की लाइन काटी थी और लिफ्ट का पासवर्ड चेंज किया था। सेबेस्टियन को पकड़ने के लिए सभी लोग अपना अपना इंफ्रारेड चश्मा लेकर वहां से चले जाते हैं। जैसे ही जेनिस अपना इंफ्रारेड चश्मा लेने के लिए वापस अपनी टेबल पर आती है, तभी सेबेस्टियन वहां पर आ जाता है और उसे मार डालता है। थोड़ी देर
बाद सबको ध्यान आता है कि जैनिस उनके साथ नहीं है, इसीलिए वो जैनिस को ढूंढने के लिए वापस उसी जगह पर जाते हैं। जब वो लॉकर को खोलते हैं तो उन्हें जैनिस की लाश मिलती है। लिंडा कहती है कि सेबेस्टियन को मार देना चाहिए, नहीं तो वो एक एक करके सबको खत्म कर देगा। कार्टर पूरी लैब के मोशन डिटेक्टर ऑन कर देता है जिससे उन्हें सेबेस्टियन की लाइव लोकेशन की जानकारी कंप्यूटर पर मिल सके। सेबेस्टियन की लोकेशन को देखने के बाद मैट और कार्टर उसे ढूंढने के लिए लैब के बाहर वाले हिस्से में जाते हैं। मौका देखकर सेबेस्टियन कार्टर को पीछे से पकड़ लेता है। जैसे ही मैट सेबेस्टियन पर गोली चलाता है तो पाइप से निकलती भाप की वजह से उसे सेबेस्टियन का चेहरा दिखाई देता है। सेबेस्टियन कार्टर को नीचे गिरा देता है और उसकी गर्दन पर गहरी चोट लग जाती है। मैट फिर से पाइप की तरफ गोली चलाता है ताकि पाइप की भाप से वो फिर से सेबेस्टियन को देख सके, लेकिन सेबेस्टियन मैट को चकमा देकर लैब के दरवाजे को बंद कर देता है ताकि मैट बचकर बाहर ना जा सके। लिंडा मैट की हेल्प करने के लिए लैब के पिछले हिस्से की तरफ भागती है। मैट और सेबेस्टियन में लिंडा को लेकर बहस होती है। मैट सेबेस्टियन को मारने की कोशिश करता है लेकिन अपने अदृश्य होने का फायदा उठाकर सेबेस्टियन मैट को नीचे गिरा देता है। तभी लिंडा वहां पर पहुंच जाती है और मैट को बचाकर वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ जब सारा और फ्रैंक कार्टर के पास पहुंचते हैं तब तक उसका काफी खून बह चुका था। कार्टर को बचाने के लिए सारा खून की थैली लाने के लिए लैब के अंदर भागती है। तभी उसे लैब में सेबेस्टियन की आवाज सुनाई देती है। सेबेस्टियन को देखने के लिए सारा खून की थैली को फाड़कर सेबेस्टियन के ऊपर फेंक देती है, लेकिन तभी सेबेस्टियन सारा को गोली मार देता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार्टर खून की कमी की वजह से मर चुका है। लिंडा मैट और फ्रैंक लैब की तरफ जाते हैं जहां उनको सारा की लाश मिलती है। तभी सेबेस्टियन पीछे से आकर फ्रैंक को भी मार देता है। फ्रैंक को बचाते हुए मैट भी घायल हो जाता है। सेबेस्टियन मैट और लिंडा को फ्रीजर वाले कमरे में बंद कर देता है और लैब से भागने के लिए मास्क और कपड़े पहन लेता है। सेबेस्टियन लैब को धमाके से उड़ाने के लिए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाता है और एक केमिकल बॉम्ब तैयार करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्रीजर रूम से निकलने के लिए लिंडा एक इलेक्ट्रिक मैग्नेट तैयार करती है और उस इलेक्ट्रिक मैग्नेट से फ्रीजर रूम के दरवाजे को खोल देती है। लिंडा एक गैस टैंक उठाती है और सेबेस्टियन को ढूंढना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सेबेस्टियन केमिकल बॉम्ब तैयार कर लेता है और बॉम्ब के फटने के लिए 5 मिनट का टाइमर लगा देता है। जैसे ही सेबेस्टियन लैब से बाहर जाने के लिए लिफ्ट में जाता है, पीछे से लिंडा आ जाती है और उसे आग लगा देती है। कपड़ों में आग लगते ही सेबेस्टियन वहां से जान बचाकर भाग जाता है। लिंडा पूरी लैब में पानी के फव्वारे चला देती है ताकि वो सेबेस्टियन को देख सके। तभी सेबेस्टियन पीछे से आता है और लिंडा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मैट वहां पर आ जाता है और सेबेस्टियन पर वार करता है। सेबेस्टियन और मैट में लड़ाई होती है। मैट सेबेस्टियन को धक्का देता है और सेबेस्टियन बिजली की तारों पर गिर जाता है। बिजली का झटका लगते ही सेबेस्टियन नीचे गिर जाता है। जैसे ही मैट और लिंडा को पता चलता है कि 5 मिनट के अंदर लैब में धमाका होने वाला है, दोनों जान बचाने के लिए लिफ्ट वाले रास्ते से ऊपर की तरफ भागते हैं। जैसे ही लैब में धमाका होता है, लिफ्ट तेजी से ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन मैट और लिंडा किसी तरह खुद को बचा लेते हैं। कुछ ही सेकंड में लिफ्ट नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है और उनके ऊपर गिरने से पहले रुक जाती है। जब लिंडा और मैट ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं तभी सेबेस्टियन पीछे से आकर लिंडा को पकड़ लेता है और दोनों लिफ्ट पर गिर जाते हैं। लिंडा लिफ्ट की केबल को पकड़ लेती है और सेबेस्टियन को नीचे धक्का दे देती है। सेबेस्टियन लिफ्ट के साथ नीचे आग में गिर जाता है और मैट और लिंडा लैब से बाहर आ जाते हैं। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब